अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब जेंगो चल रहे होंगे। तो वीडियो कुछ लेट आई है, लेकिन इसमें मैं आपके लिए डबल मवाद लेकर आया हूँ। जी हाँ, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द 10 टॉप पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, पाकिस्तान के वो 10 टॉप यूट्यूबर्स जिन्होंने पाकिस्तानी आवाम में बहुत ज़्यादा क्रेज़ मचाया हुआ है और इनके माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। तो वीडियो आज की बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है, वीडियो आप एंड तक देखिएगा। एंड मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा, लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। हेलो गाइस, दिस इज़ मुदस्सिर तारिक, आपका भाई, आपका होस्ट। सो आज की वीडियो शायद लंबी हो सकती है, लेकिन आपने एंड तक देखनी है, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और फैक्टफुल रहेगी, इंफॉर्मेटिव भी हो सकती है उन लोगों के लिए जिनको शायद अभी तक नहीं पता कि पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो काफ़ी ट्रेंडिंग करते हैं, जिनको पूरी दुनिया में देखा जाता है। तो गाइज, यू डोंट बिलीव कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनके कंटेंट पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं, और इन यूट्यूबर्स ने बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन किए हुए हैं ऑन बिहाफ ऑफ देयर टैलेंट एंड देयर कंटेंट एंड द वर्क दे आर डूइंग। सो इस लिस्ट में हमारे पास नंबर 10 पर आते हैं हारिस अवान। हारिस अवान बेसिकली एक प्रैंक स्टार हैं जो लोगों के साथ एनोनाइमसली प्रैंक्स करते हैं स्ट्रीट्स में और पब्लिक प्लेसेस में। इनके प्रैंक ज़्यादातर कैमरा बिहाइंड दी कार होता है, जिनमें ये लोगों के साथ स्ट्रेंज से प्रैंक करते हैं, तो लोगों को पता नहीं होता कि वहाँ कैमरा लगा हुआ है। तो ये उन बंदों के रिएक्शंस चेक करते हैं कि हाउ दे रिएक्ट टू हिज एक्शंस एंड हिज प्रैंक्स। सो हारिस अवान ने इस कैटेगरी में अपने चैनल पर 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन किए हुए हैं। दूसरी तरफ हमारे पास नंबर 9 पर आ जाते हैं रमीज़ स्पीक्स। ये चैनल रमीज़ राजा का है, जो हमारे फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर थे और दुनिया के मायनाज कमेंटेटर भी हैं। रमीज़ राजा अपने इस चैनल पर क्रिकेट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स देते हैं, ओपिनियंस देते हैं, और पाकिस्तानी टीम के बारे में जो भी सजेशन होती है वो इस चैनल के थ्रू वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। रमीज़ राजा ने अपने चैनल पर 1.6 मिलियन सब्सक्राइबर गेन किए हुए हैं। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। उसके बाद आते हैं नंबर 8 पर हमारे माय पर्सनल फेवरेट शामिर अब्बास। शामिर अब्बास बेसिकली एक रोस्टर हैं, इनको हम फुल ऑफ एंटरटेनमेंट बॉय कह सकते हैं, क्योंकि ये हर कैटेगरी में पूरा उतर जाते हैं। ये रोस्टिंग करते हैं, सिंगिंग करते हैं, गिटार बजा सकते हैं, हिज डांस मूव्स आर सो कूल। सो शामिर अब्बास इज़ अ फुल ऑफ एंटरटेनमेंट पिक। सो इनके पास 1.6 मिलियन सब्सक्राइबर हैं इनके चैनल पे। वाह। उसके बाद आते हैं डकी भाई, द मोस्ट फेवरेट यूट्यूबर ऑफ माइन। डकी भाई, डकी भाई बेसिकली ट्रेंडिंग जो इश्यूज़ होते हैं पाकिस्तान, वो फ़नी हो या लेम जोक्स हो या कोई भी इंसिडेंट आता है तो या कोई नमूना आ जाता है, उसको रोस्ट करने में डकी भाई से ज़्यादा कोई नहीं है। डकी भाई अपनी खूबसूरत आवाज़ से, खूबसूरत आवाज़ तो नहीं है लेकिन अपने स्पेशल वे से बंदे की ऐसी ले लेते हैं ना, बस मैं क्या बताऊं। इसी टैलेंट की वजह से डकी भाई के पास 2.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम असद टीवी पर। असद टीवी बेसिकली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में बता रहे होते हैं, और ज़्यादातर उन एप्स के बारे में जिनमें कुछ ऐसी ट्रिक्स की जाती हैं जिनमें आसानी से आप कोई भी सेटिंग्स या आसानी से अपना वर्क कर सकते हैं। लाइक उनकी ज़्यादातर वीडियो होती हैं व्हाट्सएप पर कैसे डेटा यहाँ से वहाँ किया जाए, फेसबुक की सीक्रेट ट्रिक्स। तो ज़्यादातर ये टेक वीडियोस बनाते हैं, और इनका चैनल 2.1 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ आता है 5वें नंबर पर। उसके बाद आ गए आवर ऑल फेवरेट कासिम अली शाह साहब। कासिम अली शाह साहब इज़ बेसिकली अ लेक्चरर, वो इंस्पिरेशनल स्पीच देते हैं यंग जनरेशन को, ताकि वो ऐसी डीमोटिवेटेड चीज़ों से दूर रहें जो उनको लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होने दे रही। तो कासिम अली शाह साहब का अपना फाउंडेशन भी है, जहाँ वो CSS और SPSC के ट्रेनिंग भी देते हैं। तो इनकी वीडियोस काफ़ी बेहतरीन होती है, जिससे हम यंग जनरेशन काफ़ी इंस्पिरेशन ले सकते हैं। कासिम अली शाह साहब के पास 2.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं इस वक्त। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास रहीम परदेसी। रहीम परदेसी, आपको याद होगा कि 2016 के PSL में जब इन्होंने एक कैरेक्टर लाया था, वो लड़की वाला, मुझे शायद नाम नहीं याद अभी, तो उससे काफ़ी इन्होंने पॉपुलैरिटी गेन की थी। रहीम परदेसी आजकल सॉन्ग्स बना रहे हैं, ड्रामा शूट्स कर रहे हैं,
और आजकल तो इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने फिटनेस पे ध्यान दिया हुआ है। तो रहीम परदेसी की वीडियोस भी बहुत कूल होती हैं और इनके पास अब 2.9 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, दैट्स अ बिग थिंग। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नंबर 3 पर असद मेमन, जिनका चैनल है फूड फ्यूजन। बेसिकली असद मेमन जो हैं इस चैनल पर एक कपल हैं जो आपस में रेसिपीज़ बनाते हैं डिफरेंट तरीके की, और उनकी वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड्स करते हैं। इनकी वीडियोस ऑल अराउंड द पाकिस्तान और ऑल अराउंड द ग्लोब बहुत ज़्यादा लाइक की जाती हैं, और ये चैनल काफ़ी पॉपुलर है इन पाकिस्तान, और इनके चैनल पर है 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स। उसके बाद आ गए हमारे अपने नादिर भाई। नादिर भाई हम सब इनको जानते हैं शायद, जो मेट्रो पर एक शो आया करता था ज़रा हटके, वहाँ से इस बंदे ने काफ़ी मेहनत की, इसकी स्ट्रगल थी। मैं पर्सनली इन्हें देखता आ रहा हूँ जब से। उन्होंने फिर अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया पी फॉर पकाओ, जिसको पाकिस्तानी आवाम की तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार मिला, और आज नादिर अली नो डाउट के नंबर 1 या नंबर 2 यूट्यूबर्स ऑफ पाकिस्तान में आते हैं। तो नादिर अली के पास जो हैं 3.6 मिलियन सब्सक्राइबर हैं इस वक्त, माशाल्लाह। उसके बाद गाइस यू डोंट बिलीव कि हमारी टॉप 10 लिस्ट में नंबर 1 पर आती है एक फीमेल, जी हाँ, किचन विद आमना। आमना जो है अपने चैनल पर डिफरेंट रेसिपीज़ बनाकर अपलोड करती हैं, जिनको पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है। इनकी वीडियोस काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, मैंने इनकी जब वीडियोस देखी तो इनका खाना देख के मेरे मुंह में पानी क्या सैलाब आ गया मेरे मुंह में। तो आमना इस हमारी टॉप 10 लिस्ट में नंबर 1 कैटेगरी पर आती हैं, जिनके पास ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं इस वक्त, एंड शी इज़ द मोस्ट फेमस यूट्यूबर ऑफ पाकिस्तान। सो गाइस, दिस वाज द टॉप 10 लिस्ट ऑफ द पाकिस्तानी यूट्यूबर्स। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड इट विल बी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो तब तक के लिए भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।